this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वेलकम बैक टू बल फिन वेस्ट उम्मीद आप सभी ट्रेडिंग डेज से जा रहे होंगे अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा आपको काफी मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में आज कल के लिए जो हमने आपको स्टॉक्स के लेवल दिए थे जो प्रोवाइड किए थे आज के लिए चलिए उनका हम रिव्यू कर लेंगे उसके बाद फोर टू सेवन हंड्रेड रेंज में जो स्टॉक्स में प्रोवाइड करता था उनका भी रिव्यू कर लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कल के लिए जो स्टॉक्स हम आपके लिए चुने हैं आपके लिए वो मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले तो हमारा ग्रेसिंग ग्रेसिंग में आज जो था हमारा गैप अप ओपन हुआ इसके कारण हमारी कोई ट्रेड नहीं हो पाई ग्रेसिंग में हेवल्स की मैं बात करूं अगले स्टॉक तो हमारा हेवल्स जो मैंने आपको यूट्यूब पे दिया था इसमें हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइस यहाँ जाके अचीव कर गए थे अगर आपने इसमें शॉर्ट सेल किया होगा वैसे तो इसमें आप तो गया ही नहीं तो शॉर्ट सेल ही किया होगा तो आपको दो टारगेट प्राइज़ अचीव होकर मिल गए होंगे अगला था हमारा इंडो सिंध बैंक इंडो सिंध बैंक में देखिए आज हुआ क्या देखिए इसने अगर आप लगाएंगे कल की जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी वो मान लीजिए थाउजेंड एंड सेवनटीन की अप्रॉक्स थी तो इसने अपना हाई बनाया इधर थाउजेंड एंड थर्टी सेवन और यहाँ पे जो अपना हाई लो बनाया वो है थाउजेंड एंड सेवन का यानी कि ज़्यादा इसने अप एंड डाउन इस बार दिखाया नहीं है हालाँकि ये स्टॉक बड़ा ही मूवमेंट अच्छा दिखाता है बट इस बार ये नहीं दिखाया गैप अप भी ओपन हुआ था उसके बाद इसने अपना गैप रिफ़िल किया गैप रिफ़िल होने के बाद इसने अपना बाई साइड का जो है स्टॉपलास हिट कर दिया था और शॉर्ट सेलिंग साइड का तो इसका जो लेवल ब्रेकआउट हुआ वो था ट्वेल्व पे होना था और इसने अपना लो बनाया है थाउजेंड एंड सेवन का तो थाउजेंड एंड सेवन पर ही हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस है शॉर्ट सेलिंग का अगर इंडू सिंह बैंक हमने जो आपको स्टॉक है वो टेलीग्राम चैनल पर दिया था इंडू सिंह बैंक और पॉलीप्लेक्स तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो स्टॉक्स में वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ क्या अगला स्टॉक था हमारा पॉलीप्लेक्स जिसमें कि हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइज इजीली अचीव हो गए थे और बाई साइड का एक टारगेट प्राइज यहाँ जाकर इजीली अचीव मिले क्या था आप सेलिंग साइड के हमारे दो टारगेट प्राइज में इजीली अचीव हो गए थे तीसरे टारगेट प्राइस से एक दो पॉइंट ये रह गया बट ओके इसमें दोनों बाई साइड का एक और शॉर्ट सेलिंग साइड के दो मिला के फिफ्टीन पॉइंट इजीली आपने अर्न कर लिए होंगे अब मैं बात कर लेता हूँ अपने फोर टू सेवन की रेंज में जो स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग ऑन की सबसे ज़्यादा जो आज हमारा खराब परफॉर्म हुआ वो हुआ हालांकि इसने मूवमेंट दिया बट काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स थे जो फोर हंड्रेड सेवन हंड्रेड के रेंज में जिन्हें मैं स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ उन्होंने उनके साथ हुआ क्या कि यहाँ पे जो है ये गैप अप ओपन उनके बाद ये डाउन आया यहाँ पे इसने गैप रिफ़िल किया परफेक्ट कंडीशन थी बाय करने के लिए उन्होंने बाय किया और इसने अपना जो है फर्स्ट टारगेट प्राइस भी अचीव नहीं कर पाया ये डाउन आ गया ये दो बार इसने अपना बायसाइड कैसे लिट किया इसलिए इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ उसके बाद इसने शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइस अचीव किए बट इसमें पहली बार में ही दो बार अगर बायसाइड कैसे लिट होंगे तो कोई भी इस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग साइड की कॉल नहीं लेगा मैं भी अगला था हमारे ए अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे मैं बता दूँ शॉर्ट सेलिंग साइड के हमारे सारे टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको देख ये चले गया था बनाएं तो अच्छा खासा पॉइंट्स इसमें भी आपको मिल गए थे अगला था हमारा इंडिया ग्लाइकोसिस जिसमें आपके शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस प्लस कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको यहाँ जाके मिल गए थे इजीली आपको कुछ मिल गए थे कम से कम इसमें देखिए अगर इसका मैं प्रीवियस क्लोजिंग बताऊँ तो ये थी 590 की हमें से शॉर्ट सेल करके चलना था फाइव एटी फाइव पे और फाइव एटी फाइव देखिए यहाँ पे पड़ता है फाइव एटी फाइव यहाँ से आप शॉर्ट सेल करके चले होंगे इसमें यहाँ से और यहाँ तक इसने अपना लो बनाया है फाइव फिफ्टी टू का तो आप लगा सकते हैं फाइव एटी फाइव टू फाइव फिफ्टी टू कम से कम आपको थर्टी पॉइंट्स का इसमें ईजिली जो है मिल गया था रेडिको की मैं बात करूं इसमें भी आपको आज काफ़ी अच्छा मिला बाय साइड के हमारे काफ़ी टारगेट प्राइस इसमें भी अचीव हुए हमें इसे बाय करके चलना था एटी वन पे एटी वन कि यहाँ पे करीब हमें हमेशा बाय करके चलना था और जो हमारे तीसरा टारगेट प्राइस था एक्जेक्ट हाईस इसने उतना ही बनाया अगर तीसरा टारगेट प्राइस ना भी आप होंगे पर सेकंड और थर्ड के बीच में आप ट्रेड से बाहर आ गए होंगे तो इसमें भी हमारे तीनों टारगेट प्राइस इजिली अचीव हो गए थे बाकी आखिरी स्टॉक था हमारा डीवीएल डी वी में भी देखिए देखिये साइड का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा यहाँ पे हमारा जो है बाई साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया था बट शॉर्ट सेलिंग साइड के हमारे दो टारगेट प्राइस इसमें भी इजीली अचीव हो गए थे पर ऐसा होता है कभी कभी स्टॉक मूवमेंट नहीं दे पाता बट जो मैंने कहा था शॉर्ट सेलिंग साइड के तो आपको दो टारगेट प्राइस इजीली मिल ही गए थे तो चलिए हम नेक्स्ट डे की कॉल की तरफ चलते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा फोर तो हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड के रेंज में स्टॉक्स पाने के लिए मॉर्निंग में मैं ये व्हाट्सएप पे स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं प्रोवाइड करता हूँ सो हम बात कर लेते हैं टेंथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी पहला स्टॉक है हमारा बजाज इलेक्ट्रिकल जिसे आप बाय करके चलेंगे थाउजेंड एंड ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव जीरो पे टारगेट रहेगा थाउजेंड एंड थर्टी थ्री एंड फोर्टी और थाउजेंड एंड फिफ्टी का स्टॉप लॉस रहेगा थाउजेंड एंड एटीन का बेसिक चीज मैं आपको बता बाय साइड का जो है लेवल ब्रेकआउट होगा स्टॉप लॉस भी स्टॉप लॉस में कैसे ब्रेकआउट होगा जैसे थाउजेंड एंड एटीन का स्टॉप लॉस है तो थाउजेंड एंड सेवन पॉइंट फाइव जीरो अपना स्टॉपलस लगाएंगे इस लेवल से नीचे आने पर अपना स्टॉप लॉस हिट मान के डेट से बाहर आएंगे एक्जेक्ट इस लेवल पे स्टॉप लॉस हिट नहीं मानेंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव वो तो आप क्या करेंगे केंगे जो अपना स्टॉप लॉस है उससे शिफ्ट करेंगे पहले टारगेट प्राइस पे शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा थाउजें एंड फिफ्टीन यानी कि थाउजेंड एंड फोर्टीन पॉइंट फाइव जीरो शॉर्ट सेल करके चलेंगे टारगेट रहेगा थाउजेंड एंड टेन का थाउजेंड का और नाइन हंड्रेड एंड नाइन का लास्ट टारगेट प्राइस रहेगा स्टॉप लॉस लगा आपका थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव का यानी कि थाउजें एंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव जो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे पहली बार में अगर आपका ऐसा लेट होता है दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं पहली बार में ऐसा लेट नहीं होता है तो दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे यानी कि पहली बार में अगर टारगेट अचीव होता है तो दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आप क्या करेंगे वेट करेंगे इलेवन एम तक उसके गैप रिफिल होने का एट हंड से बड़े स्टॉक्स में आप इलेवन ए एम तक करेंगे वरना उसमें टेन थर्टी तक आप वेट करेंगे एट हंड्रेड से नीचे वाले स्टॉक्स में उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा कहीं पर भी यानी कि थाउजेंड सेवन पे भी ले सकता है और पे भी ले सकता है वो एक मिनट का होल्ड कहीं भी हो सकता है बस बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में होना चाहिए मिनट के होल्ड के बाद दोबारा से जब सेवल ब्रेकआउट करेगा तब तो आप उसे बाइक कर सकते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर कर लीजिएगा फोर टू सेवन की रेंज में मॉर्निंग में मैं स्टॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ व्हाट्सएप पे तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं मिनिमम टेन टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स आप डेली के अर्न कर सकते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग मिला के रिव्यू मैंने आपको दे दिया अगर आपने स्किप करके देखी तो आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं हमारे जो स्टॉक्स थे हालांकि टाटा केमिल स्कल्स में आज थोड़ा सा धोखा हुआ और काफ़ी सारे लोगों को लॉस हुआ वो कारण क्या था दो बार स्टॉप लॉस हिट होने का साइड का और शॉर्ट सेलिंग साइड का जो था हमारा टारगेट अचीव हुआ बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहली बार में दो बार स्टॉपल्स सेट होगा तो तो तीसरी बार कोई कॉल नहीं लेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर हो जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में दो कॉल्स में वहीं प्रोवाइड करता हूँ आखिरी स्टॉक है हमारा यू बी एल जैसे चलेंगे ट्वेल पे मैंने रूल्स आपको समझा दिया आप मैं सीधा सीधा लेवल्स बता रहा हूँ टारगेट रहेगा ट्वेल हंड्रेड थर्टी एट ट्वेल्व हंड्रेड फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री रहेगा ट्वेल्ल हंड्रेड थ्री का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी टू का टारगेट रहेगा ट्वेल हंड्रेड सेवेंटीन हंड्रेड टेन और ट्वेल हंड्रेड का और आखिरी टारगेट पास रहेगा हमारा ट्वेल्व हंड्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा आपका ट्वेल हंड्रेड्रेड थर्टी टू का ध्यान रखेंगे जो लेवल्स ब्रेक मैंने अभी आपको बताए हैं वही कहेगा लेवल तो ब्रेक होने पर बाई और शॉर्ट सेल करना है स्टॉप लॉस का कैसे आपको लगाना है अगर आपने स्किप करके देखिए तो प्लीज़ रिवाइंड करके देख लीजिएगा वरना आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको वीडियो के साथ